एवरीवन, मैं हूँ रीना। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीना की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है वो किचन हॉल है। हाल ही में मैंने अपने किचन को रेनोवेट किया था, जो कि आप पीछे देख रहे हो कि पहले ऐसा दिखता था, अब ये आप देख रहे हो ऐसा दिख रहा है। तो कुछ अपने किचन को थोड़ा समय और ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ मैं प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी शेयर किया जाए। तो आज की वीडियो है किचन हॉल, तो चलिए बातें होगी बहुत सारी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जाने से पहले गाइस, मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस, मैं इसलिए किचन में ही शूट कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ये वाला लाइट ज़्यादा चमक रही है, अगर मैं इसे ऑफ भी करती हूँ ना, देखिए मैं इसे अगर ऑफ करती हूँ तो थोड़ा अंधेरा आ जाता है, इस वजह से मैंने उसे ऑन किया है। ये देखिए, इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि थोड़ा सा शाम हो चुकी है तो थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, और मेरा रिंग लाइट भी ख़राब हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा मैं छोटा सा आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ ये जो चमक रही है। तो चलिए, बातें होगी बहुत सारी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं देखिए, ये देखिए इतने सारे प्रोडक्ट को, तो बेसिकली आज मैं आपके साथ इतने सारे प्रोडक्ट को शेयर कर चुकी हूँ। मैंने एक भी प्रोडक्ट अभी तक ओपन नहीं किया सिवाय इसके, इसे मैंने अपने हस्बैंड के साथ प्रैंक किया था, तो ये वाला मैंने ओपन किया था। अगर वो प्रैंक वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूँगी, बर्थडे ब्लॉग था वो, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से मैं ओपन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं जिसे ओपन की थी, मैं उसी को ही ओपन करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ये, तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये, ये देखिए। तो ये है लिक्विड सोप डिस्पेंसर, इसे आप अपने किचन में भी रख सकते हैं, इवन आप बाथरूम में भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से है, इसमें आप लिक्विड वाला जो सोप आता है, जो भी हैंड वॉश आता है, आप इसमें डाल सकते हैं और इजीली ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये वाइट कलर में मंगवाया था, थोड़ा सा अपने किचन के साथ मैच करते हुए। तो ये देखिए इस तरह से ये है, ये बॉटल के जैसा मुझे रिसीव हुआ है, ये सामने और पीछे। ये देखिए ये सामने और इस तरह आपको ट्रांसपेरेंट, यानी यहाँ पे ग्लास लगी हुई है, आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये देखिए ये नीचे से यहाँ पे ये दिख रहा है पाइप, यहाँ से आपका जो लिक्विड जो भी है वो नीचे आएगा। तो आप एक तरह से ये हाइजीन भी है, बस यहाँ आपको प्रेस करना है और नीचे से ये आपको लिक्विड निकल जाएगा, तो अच्छा है, दूसरा हाथ भी यूज़ नहीं करना है। और ये देखिए इस तरह से है, और इसे हैंग करने के लिए एक और प्रोडक्ट है, इसे हैंग करने के लिए इस तरह से मुझे मिला है। यहाँ पे आप इसे फिट कर दोगे, और ये वॉल माउंट है, यानी कि आप इसे दीवार में इस तरह से लगा लोगे तो ये दीवार में इस तरह से हैंग हो जाएगी, और यहाँ पे प्रेस करोगे तो नीचे से लिक्विड आपको जो भी सोप वगैरह है, इवन आप इसे बाथरूम में अगर आप इसे बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें शैम्पू भी रख सकते हो, जो भी लिक्विडी पार्ट्स है तो आप इसमें डाल सकते हो, शैम्पू भी डाल सकते हो, देन बॉडी वॉश भी डाल सकते हो। तो आसानी से इसमें ये ऊपर आपको इस तरह से ओपन करने के लिए मिल जाएगा, एक मिनट में खोल रही हूँ, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, आप इसके अंदर फिल कर लो, देन आप इसे इस तरह से क्लोज कर लो। तो बहुत ही यूज़फुल है और जगह भी नहीं लेगा, बहुत ही यूज़फुल है। मतलब पहले हम लोग इस तरह से, अभी भी हम लोग ये इस तरह से ही डेटॉल का यूज़ करते हैं। तो ये हम कहाँ रखते हैं, या तो अपने बेसिन के पास ही रख देते, स्पेस रहता है, या थोड़ा सा सोप में बेसिन के पास ही रख देते हैं, फिर इसे जब साफ़ करना होता तो इसको इधर से उधर घसकाते रहते हैं। तो ये अच्छा है ना गाइस, इसे आप दीवार में टांग दो, आपको अगर आपको बेसिन वगैरह भी साफ़ करना है तो बार बार उसे हटाना वगैरह नहीं पड़ेगा, बस इसे आप दीवार में टांगे रहो, बस ऊपर से इसको साफ कर लो। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट, आई होप ये प्रोडक्ट आपको पसंद आए और यूज़फुल भी हो। तो अब बढ़ती हूँ सेकंड प्रोडक्ट की ओर। थोड़ा सा आपको बाजा वगैरह का आवाज़ आ रही हो, ढोलक वगैरह का, तो जैसे कि अभी रामनवमी है तो बच्चे लोग बाहर में बजा रहे हैं, तो इस वजह से अगर इस वीडियो में आवाज़ आपको आ रही होगी। तो ये है सेकंड प्रोडक्ट, ये भी बहुत ही यूज़फुल है, मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया, तो चलिए मैं इसे आपके सामने ही ओपन करती हूँ। सीज़र लेके आती हूँ, तो चलिए इसे मैं ओपन कर लेती हूँ।
मेरा सेकंड प्रोडक्ट, ये देखिए कितना क्यूट सा है। यहाँ पे आप अपने डिश वॉश, यहाँ पे आप लिक्विड डिश वॉशर को फिल करोगे, जो भी है विम वगैरह है यहाँ पे फिल करोगे, देन इसे प्रेस करेंगे ना, तो ये आपका देखिए ये थ्री पार्ट्स में है। यहाँ पे आप फिल करोगे, यहाँ पे इस तरह स्प्रिंग लगा हुआ है, देन इसके ऊपर ये रखा हुआ है, फिर ये, फिर जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे ना, तो इस होल के थ्रू ये जो आपका लिक्विड जो भी है डिश वॉशर है, वो इस होल के थ्रू आपको स्क्रबर में आएगा और आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फुल वीडियो आपको डाल दूंगी जब मैं इसे यूज़ करूंगी। मतलब अच्छा है ना गाइस, सिंक के चारों, सिंक में ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहेगा, हम लोग अलग से साबुन रखते हैं, देन स्क्रबर रखते हैं उसको रखने के लिए, फिर वो स्टैंड रहता है, तो इस तरह से थोड़ा सा मेसीनेस हो जाता है। तो एक ही चीज़ में तीनों चीज़ रखा गया तो थोड़ा सा क्लीन भी लगेगा और अच्छा भी दिखेगा, है ना, और वेस्टेज भी नहीं होगा विम वगैरह का, क्योंकि हम लोग साबुन वगैरह अगर यूज़ करते हैं ना, तो अगर उसी के ऊपर स्क्रबर रख देते हैं तो वो पूरा गलने लगता है, पानी पानी हो जाता है। बट इसमें अगर हम लोग लिक्विड वगैरह रखेंगे तो आसानी से जितना यूज़ है उतना ही प्रेस करेंगे, उतना ही यूज़ होगा, बाकी आपको वेस्टेज नहीं होगा। तो ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब बढ़ती हूँ थर्ड प्रोडक्ट की ओर, ये देखिए कितना स्लीक सा है, गेस करिए क्या हो सकता है इसमें। चलिए सस्पेंस को मैं ख़त्म करती हूँ, मैंने इसे अभी तक नहीं खोला है, बहुत पहले ही ये मुझे रिसीव हो गया था। चलिए इसे ओपन करती हूँ, बहुत सारा इसमें पिन लगा हुआ है, पहले मैं ओपन करती हूँ। बहुत सारा लगा हुआ है, पैकेजिंग बहुत सख्त है गाइस, ये देखिए देखिए वो पिन मुझे फाड़ना पड़ गया। तो इसमें लिखा हुआ है नाइस डे, तो इस तरह से है ये डोर हैंगर, यहाँ पे लिखा हुआ नाइस डे, और ये मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है, आप आवाज़ सुन के पता चल जा रहा है। तो चलिए इसे असेंबल करती हूँ, इस तरह से आपको मिलेगा, और ये दो, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, आप इसके अंदर इस तरह से यहाँ पे ऐसे डालोगे, ये देखिए ये एक हैंग हो गया, एक और आसानी से, ये देखिए इस तरह से आप हो गया। अब इसे मैं डोर में लगा के दिखाती हूँ, इसे आप डोर में लगा सकते हैं, अगर आप कील वगैरह ठोकना नहीं चाहते हो तो आप इस तरह से अपने डोर में ये यहाँ पे इस तरह से हैंग कर सकते हो, और यहाँ भी कुछ भी आप अपना बैग वगैरह या एप्रन वगैरह यहाँ पे आप हैंग कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि ये दरवाजा लगे कैसे, तो ये बहुत ही आसानी से ये लग जाएगी, ये मैंने बना दी है कुंडली, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पे आपको स्क्रू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे इस तरह से यूज करते हो, जूम करो समझ जाते। तो ये है लास्ट, इतना बड़ा पैकेट मैंने इसे लास्ट में ओपन करने के लिए रखा, तो चलिए इसे फटाक से ओपन करती हूँ। इतना बड़ा पैकेट देख के मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड, तो चलिए फटाफट से मैं इसे ओपन करती हूँ। सारा चीज़ मुझे पहले ही रिसीव हो गया था, बट मैंने इसे ओपन नहीं किया था, मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ ही मिलके अनबॉक्सिंग वगैरह किया जाए। टाइम तो अनबॉक्सिंग करने में ही निकल जाता है, गेस करिए गाइस क्या होगा इसमें। चलिए अरे खुल जा भाई, एक मिनट इसे चलिए मैं फाड़ ही देती हूँ, मैंने इसे फाड़ दिया। चलिए ये देखिए स्टेनलेस स्टील की है ये, और गेस करिए तो क्या हो सकता है। जी हाँ, ये आपका तवा चकला वगैरह रखने के लिए है, ये देखिए इस तरह से है, यहाँ पे आप यहाँ पे तवा रख सकते हो, यहाँ पे चकला, और यहाँ पे बेलन, यानी ये तवा चकला बेलन ऑर्गेनाइजर है। तो चलिए मैं इसे ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ। अच्छा सबसे पहले मैं बात कर दूँ,
ये है स्टेनलेस स्टील की और बहुत ही स्टडी है गाइस। आप चाहे ना तो इसे हैंग भी कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कील वगैरह में डाल के आप हैंग कर सकते हो, बट मैं इसे अपने टॉप पे स्लेब पे रखूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से अपने, ये तो है बेलन, ये तो रोटी रखने वाला ये चकला है और ये मेरा तवा। तो मैं इस तरह से, ये मिक्सी है मेरा, मैं इसके पीछे रखती हूँ उस तरह से तवा, फिर यहाँ बेलन चकला। तो थोड़ा सा इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं लेके आई हूँ, पकड़ो। चलिए अब मैं इसे ऑर्गेनाइज करती हूँ अपने किचन में। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे यहाँ रखूँ, ठीक है। देन ये जो तवा है आप इस पर ऐसे रख सकते हो, देन ये जो चकला है ये इसे ऐसे रखेंगे, और ये मेरा बेलन। तो और ये साइड में जो वीडियो है, मुझे इसके साथ नॉब मिली थी वही मैं आपको फिट करके दिखा रही हूँ। मतलब चार नॉब थी क्योंकि रॉड निकला हुआ था, इस वजह से यहाँ पे चार नॉब है ताकि आप इसे आसान। तो एक प्रोडक्ट, एक मैं एडिशनल प्रोडक्ट और ऐड करना चाहूंगी, मैं बता देती हूँ। मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था बट ये इसका मैं लिंक वगैरह नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने इसे होम शॉप 18 से मंगाया था। क्योंकि ये किचन का ही यूजफुल चीज है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूं। तो ये है मसाला ऑर्गेनाइजर, इस तरह से बॉक्स मुझे रिसीव हुआ था। मुझे लगता आज से मैं 2 साल पहले इसे ऑर्डर की थी और ये एज इट इज रखा हुआ था जब मेरा किचन रेनोवेट हुआ। जब मैं पूरा सामान वगैरह निकाली तो मैं इसे देखा कि ये तो एज इट इज ऐसा रखा हुआ है, तो इसे मैं यूज कर रही हूँ। तो ये है स्पाइस रैक, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसे ऑलरेडी यूज कर रही हूँ और ये ऑर्गेनाइजर है, इस तरह से है। इस तरह से आपको ग्लास की बॉटल मिल जाएगी, 12 ग्लास की बॉटल है, 1 2 3 4, इस तरह से टोटल आपको 12 ग्लास की बॉटल है। और इसमें आप मन चाहे अपना जो भी सामान रख सकते हैं डेली यूज, जैसे कि ऊपर देखो, जैसे कि इस तरह के रैक वगैरह में मैं तो स्पाइसेस रखती हूँ, लेकिन बार बार इसे खोलना ये करना थोड़ा सा ये हो जाता है, स्क्रू वगैरह हो जाता है, तो इसलिए मैंने ना इस तरह के स्पाइस ऑर्गेनाइजर रखा है कि फट से अगर आप कुछ कुकिंग वगैरह कर रहे हो तो यहीं से आप आसानी से ले सके, क्योंकि ये ना हमारा डेली यूज का चीज है इस वजह से। तो इस तरह से ये रोटेबल है, आप इसे आसानी से रोटेट कर सकते हैं। और इससे मैं तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो गाइस तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ ऐसे नए बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।